कॉमेडी राइड विद कपिल देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल देखता हूँ। कौन सा कैरेक्टर? सारे कैरेक्टर्स। कपिल ही जो कैरेक्टर है बहुत ये देखिए मुश्किल कैरेक्टर इसलिए है क्योंकि ही कैन ऑलवेज नॉट ऑलवेज बीन वन कैरेक्टर। उनको जहाँ इंटरव्यू भी देना होता है वो भी करते हैं, फिर साथ साथ अपनी गरीबी पर काफ़ी ज़्यादा मजाक और मज़ा आता है। बट ही इज़ फैंटास्टिक, ही इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस। वो भी कमाल है। वो हर किसी से शादी करना चाहती है। हैंग और मेरी शादी हो गई है, उसने मुझे आपसे भी आया वो ऑफर नहीं, वो जानती हैं मेरी शादी जिससे हुई है थोड़ी सी डेंजरस है वो, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो उनके सामने बुआ क्या कम्पीट करेगी उसके साथ। और वो भी बाईस की, आप भी बाईस की? 22 जी 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 हाँ 44। इनकी बात आई थिंक खत्म नहीं हुई है, और क्या कहना था 44 के बाद नहीं हो गया? हाँ 44 उम्र भी है, सीना भी है, कहाँ हैंडल ऑल दैट है जी। चार चांद लगा दिए उसने। बिग बॉस की बात कीजिए आपसे। कौन सा प्रतियोगी आपको बेहद भाता है और चाहते हैं कि विजेता जाना चाहेंगे आप? बिग बॉस में देखिए सब यही समझ रहे हैं कि कामया और संग्राम बहुत सहनशीलता के साथ, बहुत संयम के साथ, बहुत बाहर हो चुकी है। अरे बाप रे बाप, बाहर हो गई जी, 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 कामया काम से गई। शॉकिंग न्यूज। अरे वो तो बहुत उसकी उसमें जबरदस्त, मैं तो उन्हीं को चाह रहा था कि वो जीते यार, ये कैसे हो गया? कामया जिस तरह से वो चीज को पकड़ के उतनी लंबी रही, लड़के भी नहीं कर पाए वो, फिर बॉक्स के अंदर इंटरनेशनल रिकॉर्ड कायम करने के बाद माय गॉड, उनकी मतलब वो नथनी भी हिली नहीं, कमाल है यार। और अभी आउट हो गई, खुद ही हिल गई। अब जो बाकी बचे हैं उनमें से संग्राम को कर देते हैं। हर कोई संग्राम कह रहा है तो मैं सोचा कुछ अलग कहूँ, तो नहीं संग्राम ही ठीक है। 2013 आप कह सकते हैं एक जबरदस्त साल रहा, एक ट्रांजिटरी साल रहा, जहाँ बहुत सारी चेंजेस, बहुत सारी परिवर्तन नजर आनी शुरू हुई है, लेकिन ये सारी चेंजेस, ये सारी परिवर्तन होंगे 2014 में पूरी तरह से, ये मैं विश्वास रखता हूँ। और 2014 हमारे सबके लिए बहुत बहुत ही मुबारक साल होगा। विशिंग ऑल ऑफ अस अ वेरी वेरी हैप्पी 2014। थैंक यू सो मच। कैसा रहा? आपने परफॉर्म किया यहाँ पे क्या? हाँ मैंने परफॉर्म किया, थोड़ी कोची भी कर दी। ओके मैंने परफॉर्म किया और थोड़ी सी गलतियाँ भी कर दी, लेकिन स्टेज बहुत डिफिकल्ट था तो कोई बात नहीं, किसी को पता नहीं चला। सो आई एम हैप्पी। किस गाने पे आपने नृत्य किया है? मैंने परफॉर्म किया गाने पे, एक तो है 2 फ्रॉम गोरी तेरे प्यार में करीना कपूर का गाना, और एक है 1 2 3 4 फ्रॉम चेन्नई एक्सप्रेस शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान का गाना। सो दोनों बहुत पेपी गाने थे। किसी के साथ और मतलब और भी था आपके साथ कोई? 8 लोग थे। थैंकफुली कहा गया था कि कलर्स के सबसे फेवरेट स्टार्स साथ में परफॉर्म कर रहे, तो हम सब बहुत खुश थे जो 8 लोग परफॉर्म करने गए थे। इट वॉज मी, इट वॉज आशका, श्वेता तिवारी, आरती छाबड़िया, मनीष, जय सोनी, मृणाल जैन, एंड हु एल्स वाज देयर, आई फॉरगॉट। हाँ विविन डेसेना, सॉरी। आरके ने डांस किया, आरके अभी भी डांस कर रहे, जाइए देखिए। आप जब घर से बाहर आई थी तो मैंने बात की थी फोन पे, तो आपने कहा कामया को आप चाहते जीत जाए, लेकिन आज वो बाहर हो गई। हाँ मुझे पता चला कि कामया निकल गई, और मैं सिर्फ वेट कर रही हूँ कि मैं यहाँ से थोड़ी फ्री हूँ और मैं कामया को फ़ोन करूँ। मैंने पहले भी ट्राई किया था बट उसको अभी तक फ़ोन मिला नहीं है, क्योंकि जब तक शूट्स ओवर नहीं होते संडे एपिसोड के तब तक फ़ोन देते नहीं है। सो आई एम जस्ट वेटिंग टू सी हर नाउ। आई थिंक आई एम हैप्पी, कोई बात नहीं, अंदर जीतती तो भी मुझे बहुत खुशी होती, बाहर आई तो बाहर मिल लूंगी। तो इट्स ओके, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी जीते। हाँ डेफिनेटली आई थिंक आई एम परफॉर्मिंग इन द फिनाले, तो मैं जरूर जाऊंगी। आई रियली डोंट नो कुशाल गौहर, जो लोग मेरे फ्रेंड्स रहे हैं वहाँ पर, मैं उनका उन्हें देखना चाहूँगी। मैं सिर्फ चाहती थी कि कामया जीते, क्योंकि अगर वो जीती तो मुझे ऐसा लगता कि मैं जीत गई, बट कोई बात नहीं, इफ नॉट हर देन मुझे फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता कोई भी जीते। प्रत्युषा इस नव वर्ष पर आप कहाँ पे होंगी और कुछ खास आपने कार्यक्रम बनाया है? देखिए नव वर्ष पर मैं कहाँ पर होंगी मैं आपको बताऊँगी तब वहाँ पहुँच जाएंगे, तो मैं ये आपको बताऊँगी नहीं। और इसके अलावा हाँ मेरे दोस्तों के साथ मेरे प्लान्स हैं नव वर्ष में, तो देखते हैं 28 ऑफ दिसंबर तो मैं फिनाले
शूट कर रही हूँ बिग बॉस का, उसके बाद डेफिनेटली आई विल प्लान समथिंग फॉर द 31st 2 1st। ऐसा तो नहीं कोई आपको बुलावा आया हो कहीं पे लोगों के लिए परफॉर्म करने के लिए कुछ ऐसा? नहीं नहीं नहीं, मैं न्यू ईयर्स पे कभी काम नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है वो एक दिन है जब एक मेरा बर्थडे और एक न्यू ईयर्स जब ख़त्म हो रहा है साल एंड यू नो वी वॉन्ट टू हेड टूवर्ड्स द न्यू ईयर 2014 और पूरा साल काम ही करना है, दैट्स ऑल व्हाट वी एक्टर्स एंड एवरीबडी वांट्स। तो आई फील वो 31st की रात मैं सिर्फ अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। नए साल में अभी आ रहे हैं, काफ़ी दिनों के बाहर है, तो क्या प्लान है, क्या आपको कब देखेंगे? बहुत जल्द, फिलहाल आई एम डूइंग बिग बंगाली आर्ट फिल्म, आई हैव जस्ट साइंड इट, तो उसकी शूटिंग फरवरी में है एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट बीइंग अ बंगाली मुझे एक बंगाली फिल्म करने का मौका मिल रहा है। और उसके बाद मैं एक्चुअली अभी सब कुछ रिवील नहीं कर सकती, इतना बता रही हूँ। इट्स एन आर्ट फिल्म एंड इट्स अ कम्प्लीटली वुमन ओरिएंटेड स्टोरी, तो दैट वन वुमन इज़ मी इन द फिल्म एंड देर आर वेरी बिग एक्टर्स विद मी, तो आई कॉन्ट रिवील देयर नेम्स राइट नाउ। और एज अ बंगाली मुझे बंगाली फिल्म करने का मौका मिला है, तो आई एम वेरी हैप्पी, जिसके लिए मैं फरवरी में शूट कर रही हूँ और उसके बाद देखते हैं, होपफुली जल्दी वापस आऊँगी मैं टेलीविजन पे। आप इस रोल को जरा लकी मानती हैं, बालिका वधू के रोल को? अविका ने भी अभी अभी बताया कि वो भी एक फिल्म कर रही है और आप भी उस रोल को निभा के एक फिल्म कर रही हैं। आई थिंक कलर्स एक ऐसा चैनल है जिसमें लोगों को बहुत बरकत मिलती है, लाइक मैंने कलर्स पे बालिका भी कर लिया है, झलक भी कर लिया है, किचन चैंपियन भी कर लिया है, बिग बॉस भी कर लिया है, सो आई फील इट्स द मोस्ट ग्रेटेस्ट चैनल वन कैन बी अ पार्ट ऑफ। और हाँ, बालिका एक बहुत बड़ा शो है, हर एक एक्टर हमारी इंडस्ट्री में जो हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री में है वो बालिका का पार्ट होने के लिए यू नो बहुत होप करता है। सो आई थिंक आई एम द लकीस्ट के आई हैव बीन द ओल्डेस्ट आनंदी एवर फॉर 3 years। सॉरी दिन गेट सिद्धार्थ से उन्होंने बात की थी, वो आपको बहुत मिस करते हैं सेट पर? मुझे पता है वो मुझे बहुत मिस करते हैं सेट पर और मैं भी उन्हें बहुत मिस करती हूँ। बिग बॉस से आने के बाद हमारी सिर्फ फ़ोन पे ही बात हो पाई थी, तो आफ्टर माय बर्थडे मैं सिद्धार्थ से मिल भी नहीं पाई। सो अभी यहाँ पर मिले तो वी वर एक्चुअली यू नो उसके बर्थडे पे वी मेट ऑन 12th December, सो हम एक्चुअली हमारे पुराने दिन याद करते थे और अभी भी हम एक दूसरे को ऐसे ही बात करते हैं, अरे माई पति इज़ गोइंग टू परफॉर्म या माई वाइफ इज़ गोइंग टू परफॉर्म, सो वी एक्चुअली मेंटेन दैट आनंदी एंड कलेक्टर साहब रिलेशनशिप। आई डू ऑफकोर्स आई मिस बालिका, आई बट थैंकफुली मैं सेट के बाहर जितने भी लोगों के साथ मैंने शूट किया है वो सब दे और आर लाइक माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, स्मिता, नेहा, सिद्धार्थ, शशांक, अनुप जी, हम सब खुद से बहुत क्लोज हैं। मैं बहुत ऑफन लाइक स्मिता से और नेहा से मेरी हर रोज़ बात होती है, तो आई एम वेरी क्लोज टू देम, तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। साथ में आप बिग बॉस के घर में जाने से पहले कुछ वाकया हुआ था आपके साथ, क्या वो सॉल्व हुआ? हाँ, तो 4-5 महीने हो गए, सब सॉल्व हो गया। जानना क्या चाहते हैं आप एग्जैक्टली, ये बताइए मुझे। आप उनके साथ हैं या नहीं? नहीं, मकरंद मेरे साथ नहीं है।